अब या तो आप मुझे बता दो तो मैं बता दूँ किसको दे दिए हमने, हमने तो पता नहीं किस किस को दे दिए क्या क्या। अब इतनी लंबी हमने टोटल मुश्किल से अभी 76 सीट घोषित की है, उसी में 16 है तो जो डिजर्व करता वही आया होगा, पहले से कोई एमएलए एमपी बना हुआ है। और ये बताओ मुझे कहाँ लिखा हुआ है ये कि भाई यदि कोई आदमी नेता है, मैं कांग्रेस पार्टी से मिनिस्टर हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, आप मुझे सब जानते हो, मैं कितना सीधा आदमी हूँ जानते हो ना, इतना भला बता। तो आप ये बताओ, आप सब कह रहे हो कि नेताओं के साथ, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, मैं उनके छोटे भाई का लड़का हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस में पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, यदि मेरे में दम नहीं होता तो मैं कांग्रेस में पॉलिटिक्स कैसे करता हूँ, तो बीजेपी में थे, और मैं बीजेपी से यदि बन जाता तो आप कह देते, तो भैरव सिंह जी की मेहरबानी, भैरव सिंह जी तो मुझे रोकना चाहते थे, जी जान लड़ा दी थी भैरव सिंह जी ने रोकने के लिए मुझे, क्योंकि उनकी चॉइस राजवी साहब थे, राजवी साहब के लिए वो परिवार के दबाव में उन्होंने ये सब कुछ कर दिया उस वक्त, लेकिन वो उनकी अंतरात्मा जानती थी, वो मुझे कहते थे कई बार जब मेरी बात होती कि यार तने कौन रोक सके, मैं कितने ही रोक ली तू रुकवाड़ो तो है वो नहीं सार में गट्स है, जिसमें गट्स होगा वो तो पॉलिटिशियन बनेगा, चाहे वो नेता, यदि कोई नेता रोके तो क्या रुक जाए कि उसके बच्चे, नेता तो नेता होता है यार, धरती फाड़ के आ जाता है, ज्यादा दिन नहीं चलते, जो मेहरबानी से राजनीति में आते हैं ना वो ज्यादा दिन नहीं चलते। हाँ मेरे बारे में तो आप शुरू से जानते हो, मैं पढ़ता हूँ जिससे, आप बताओ कितना सीधा हूँ मैं, पहले तो अकेला था, दोनों पार्टियों से लड़ता था, याद है आप, मैं पहले अकेला था भैया, पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ राजस्थान में फ्री थिंकर्स का ग्रुप मैंने खड़ा किया, यूथ मूवमेंट मैंने चलाए, प्राइम मिनिस्टर को उतरने नहीं दिया, धरती पर ऊपर घूमता रहा प्राइम मिनिस्टर का भाई, ऊपर हूँ करा दिया मैंने, हूँ करके चला गया प्राइम मिनिस्टर का भाई जहाज, और नीचे जो केंद्रीय मंत्री उतरे थे ना, उनको बाथरूम में बंद कर दिया, सबको बाथरूम में बंद हो गए वो बचने के लिए। यही स्टूडेंट मूवमेंट था राजस्थान का, जब जिससे प्रताप सिंह खाचरियावास ने कॉल किया, निकल कर आया, झंझट हुए, टकराव हुआ कांग्रेस बीजेपी सब में, आज मैं कांग्रेस में पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, सोनिया गांधी जी ने मुझे पार्लियामेंट का टिकट दिया। अब कोई किसी का बच्चा नेता दमदार है तो आएगा, दमदार नहीं है तो एक बार मेहरबानी से आ जाएगा, अगली बार कैसे आएगा। तो ये जो पॉलिटिक्स है किसी की मोहताज नहीं है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई पार्टी हो, जिनमें दम होगा राजनीति में वो जिंदा रहेंगे, जिनमें दम नहीं होगा वो राजनीति में जिंदा नहीं रहेंगे। और जरूरी नहीं है राजनीति में आदमी पदों पर रहे, पदों पर नहीं रहने वाले लोग भी नेता कहलाते हैं। आज इस देश में ट्रेड यूनियन मूवमेंट हुआ और ट्रेड यूनियन लीडर कितने बड़े बड़े आए, कितने बड़े बड़े कर्मचारी नेता आए, कितने बड़े बड़े किसान नेता हुए, जिन्होंने कभी पद हासिल नहीं किया लेकिन देश को हिलाकर रख दिया, जब वो निकले तो बड़ी बड़ी सरकारों ने उनके सामने बातचीत करके समस्याओं का समाधान किया। लेकिन पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहेगा। देखो बेचारे, अब आप राजवी साहब के पीछे क्यों पड़े हैं, राजवी साहब से मेरे को बैर तोड़ना है, राजवी साहब मुझे बुरे नहीं लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मेरे राजवी साहब से क्या लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है, राजवी साहब कोई मुद्दा नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए मुद्दा बीजेपी है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये भैरव सिंह शेखावत वाली बीजेपी नहीं है, भैरव सिंह जी पत्थर जेब में लेके नहीं चलते थे कि उठा के पत्थर मार दिया, कांग्रेस वाले दिख गए, कब मारा भैरव सिंह जी तो पत्थर ही नहीं मारा, भैरव सिंह जी तो सबको पटापटू के चलते राजी रखते थे, भैरव सिंह जी ने ये काम नहीं किया जो आज की बीजेपी कर रही है, अरे देखो उछल के मार दिया, अरे भाई साहब उछल के मार दिया तो पाप हुआ ना, मैं वहां पर होता, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप, वहां पर आपको कुछ ना कुछ नजर आता है एक्ट मेरा, चाहे मैं ट्रैक्टर पर चढ़ता, चाहे मेरे लगती है, सामने वाले को ठोक देता, कुछ तो होता। ऐसे तोड़ना जो मर्द आदमी वो बचाता है लोगों को, जो मर्द आदमी हो वो बचाता है लोगों को। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सब इस मामले में सारे के सारे जो आप बात उठा रहे हैं वो ये है कि ये कानून व्यवस्था के मुद्दे, ओवरऑल मुद्दे, इन मुद्दों पर बीजेपी स्टैंड ले ही नहीं पा रही, बीजेपी की जो कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही, बीजेपी बिखरी हुई है, एक नेता यहाँ पर कोई और बयान दे रहा है, दूसरा नेता कोई और बयान दे रहा है, तो बीजेपी के भी कोई ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आ रहा कि मिलकर काम काज हो रहा है, इसीलिए तो टिकटों में पिट गई बीजेपी, बुरी तरह से पिट गई टिकटों में।